हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मौसम थोड़ा सा खराब है, आई गेस थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी मैं खेत आई हूँ सिंगी के लिए, घास काटने के लिए। और आज पूरा दिन मैं अकेले होने वाली हूँ क्योंकि मम्मी गए हैं शादी में। जिस शादी में मैं काम करने के लिए गई थी वहाँ पे उनके घर में दो शादियाँ हैं। एक की बारात उस दिन गई थी, जो बड़े वाले भैया है उनकी बारात सिरमौर गई थी और जो छोटे वाले भैया है उनकी बारात रिब्बा जाएगी। और आज मामा स्वागत है और कल उनकी बारात जाएगी, और उनकी बारात जा रही है रिब्बा गाँव में, और उनकी बारात में मैं जाऊंगी क्योंकि मैं भी आज तक रिब्बा गाँव नहीं गई हूँ। तो मैं भी जाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी रिब्बा गाँव। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रिब्बा गाँव देखने के लिए क्योंकि मैंने सुना है कि रिब्बा गाँव बहुत सुंदर है। तो मैं कल जाऊंगी। बाकी आज मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करने वाली हूँ, चूल्हे वगैरह उठाने वाली हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी और लिटरली मैं व्लॉगिंग करना मिस कर रही थी। आज मेरे पास ऐसा कुछ नया दिखाने के लिए नहीं था आप लोगों को, बट फिर भी मुझे व्लॉग करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कब मैं व्लॉग बनाऊँ, बट मैं इंजॉय करने लग गई हूँ। गाँव में मैं इंजॉय करती हूँ व्लॉगिंग, यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव में व्लॉगिंग करना। तो बने रहना मेरे साथ एंड तक, ओके। और आप लोग मेरी हालत भी देख सकते हैं, इतना पसीना पड़ चुका है मेरे को, बहुत ज़्यादा थक गई। और अब सिंगी को यहाँ पे बांध के रखना पड़ेगा क्योंकि इधर उधर भाग जाती है दिन में, लोगों के खेतों में घुस जाती है फिर, है ना सिंगी? और बाकी आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चुल्ली गिरी हुई है यहाँ पे। अब ये सारे मेरे को उठानी पड़ेगी और बारिश भी होने वाली है, और बारिश हुई तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा। बस मौसम ऐसा ही रहे, ना गर्मी हो ना बारिश हो। 12-1 बजे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर 12-1 बजे के बाद हो भी जाती है तो कोई चक्कर नहीं है, तब तक मेरा काफ़ी काम कम्प्लीट हो जाएगा। बट अगर अभी बारिश हुई तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, बहुत सारी चुल्ली उठाने को है। और गाइस मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना, मेरे साथ क्या हुआ। बाकी और दिन में ऐसा होता है कि मैं यहाँ से सिंगी को घास डाल के ही घर पे जाके ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि इतने सुबह सुबह में से खाया नहीं जाता। 7-8 बजे तो मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं हूँ, यहाँ से जाकर ही खाती हूँ। और आज मेरे को पता था कि मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, उसको घास डाल के यहीं पर काम करने के लिए रुकूंगी, तो मैं ब्रेकफास्ट पैक करके लेके आने वाली थी। मैंने सारा सामान पैक किया सिंगी के लिए, जो बच्चा कुछ खाना होता है वो सारा डाला। और उसके बाद मैंने सिंगी के लिए एक्स्ट्रा चपातियाँ भी बनाई क्योंकि आटा बचा हुआ था ना, वो खराब होने वाला था, तो मैंने मोटी मोटी चपातियाँ बना के सिंगी के लिए डाल दिया। बट अपने लिए ब्रेकफास्ट लाना मैं भूल गई, और अब मुझे यहाँ पे चुल्ली वगैरह खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं खा सकती तब तक के लिए। तो एक चुल्ली का पेड़ यहाँ पे है, इसके अंदर की जो गुटिया है वो मिट्टी है। हम बचपन में यहाँ पे बैठ के यहीं तोड़ तोड़ के खाते थे, बहुत मजा आता था। तो आज मैं ये वाली चुल्ली खाऊंगी। इधर आ जाओ दोस्त मेरे, एक तो नीचे गिर गया। कहाँ गिरा? नीचे चलाना शायद। ये एक तोड़ दिया मैंने। ये वाली चुल्ली है ना, जो इसका टेस्ट अच्छा है क्योंकि हम बचपन में बहुत खाते थे। ये थोड़ा सा साफ करूंगी। और ये मिट्टी गुट्टी होती है ना, उसको हम बिजा बोलते हैं किनौली में, चुल्ली को चुल। ये देखो ये वाली टेस्टी है बहुत। बाकी मेरे दांत देखो कितने स्ट्रांग है, मैं ऐसे ही तोड़ दूंगी इसको। ये गुट्टी निकली, ये भी मिट्टी है। मम्मी ने बहुत काम समझाया था मेरे को, और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा क्या क्या बोला था। रात को नींद में ही सुन रही थी मैं, मम्मी को बोल रही थी मम्मी मेरे को याद नहीं रह रहा है, तो मेरे को अभी मत बताओ। तो अभी मैं फ़ोन करती हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि इसको उठाइयो, फिर इसको नीचे खुर में बिछाइयो, फिर इसको थोड़ा साइड करियो, फिर यहाँ पर पॉश बिछा के इसमें जो चुल्ली रखी है, इस किल्टे में जो चुल्ली रखी है इसको सुखाइयो, और भी पता नहीं क्या कुछ बोला था, पता नहीं। अभी याद करती हूँ थोड़ी देर, फिर काम करती हूँ। अरे इसको हटाना भी कैसे है, देखो तो कैसे चिपक गया है, हिलीरा। ओह नाखून टूट जाएंगे मेरे। तो दोस्तों देखो इस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है, और ये कैसे कर रही है, बिल्कुल टॉप पे जाके बैठी है, और किसी अपने फ्रेंड अपने साथी को बुला रही है, शायद कोई खो गया है इसका, मुझे ऐसा लग रहा है जिस स्पीड से तो ये टूं टूं कर रही है। सो गाइस देखा, मेरा गैस सही था, मैंने आपको बोला था ना ये किसी अपने फ्रेंड को बुला रही है, किसी अपने फैमिली मेम्बर को बुला रही है। अब देखो दोनों साथ बैठे हैं और ये चुप भी हो गई है। तो मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है क्योंकि पहले तो सिंगी चुपचाप से थी यहाँ पे, और अब इसके अंदर की आत्मा जाग चुकी है, और मुझे इसको बांधना बहुत मुश्किल होगा। पहले तो बहुत आराम से शांति से घास खा रही थी, बट अब ये इधर उधर भागने वाली है। कैसे छूटे आप? गाइस मिशन सक्सेसफुल, मैंने सिंगी को गुमराह करके इसको बांध दिया है। इसको ना उठा के नीचे खुर में डालना है, ये जो यहाँ पे ऐसे वेस्ट मटेरियल पड़ा है, काफी टाइम से रखा था ना, इसमें घास भी उग गए।
ये इसमें मैंने डाल दिया, अब इसको खुड़ में फेंक देंगे। इसको बिछाते हैं, अब इसके ऊपर चुल्ली सुखाएंगे। चुल्ली सुखा दी मैंने, अब ये किल्टा और ये बाल्टी लेके जाती हूँ और बाकी की चुल्ली भी उठाती हूँ। और इस टैंक में भी इतनी सारी चुल्ली गिर गई है, अब ये तो कैसे निकालेंगे इससे यार। वो देखो इधर से, ये भी सारी गिर जाएगी इसमें। और मैं खतरों के खिलाड़ी बन के फिर से अब गलत रास्ते से आ गया, मुझे यहाँ से नीचे जंप करके जाना पड़ेगा। रास्ता उधर से था घूम के आने का था, और मैं शॉर्टकट मार के छत से इधर ही आ गई। अब देखते हैं जी, पहले ये किल्टा नीचे फेंक देती हूँ। ओह माय गॉड, टूटा ना अगर, मम्मी मेरे को तोड़ देंगे। भगवान बचा लेना, नीचे पत्थर भी है यार, पैर नहीं बचना चाहिए मेरा, डर लग रहा है। मेरी शक्ल कैसी बननी थी, डर भी लग रहा है, बस जा रहा भी मुझे इसी रास्ते से। बच गई। जैसे मैं यहाँ पे पहुंची और वैसे ही बारिश की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी जब तक ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो जाती है तब तक मैं फटाफट से थोड़ी बहुत चुल्ली उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी काम नहीं किया तो मुझे बहुत रिग्रेट रह जाएगा कि मैं काम करने आई थी बट मैंने कोई काम नहीं किया अभी तक। सो पहले फटाफट से चुल्ली उठाती हूँ, यहाँ से परे वाले एरिया में मैं पहले चुल्ली उठाऊँगी, फिर परे से हरे के लिए बाद में उठा लेंगे। यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी और यहीं से परे को लेके जाऊँगी। सो गाइस, मैं वहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाई थी और इतनी चुल्ली मैंने उठा दी थी और बारिश स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी तेज़ी से होने वाली है बारिश। अभी इसको इधर ही रख देती हूँ, बाद में आएंगे और बाद में उठा लेंगे शाम के टाइम जब बारिश रुक जाएगी। अब ये अजीब तबीयत भी अजीब सी ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मम्मी ने इसमें ना सिंगी को चुल्ली खाने के लिए दे के रखा हुआ था, तो अभी इसने खा दिया है, अब इसकी गुठलियाँ अलग निकालनी पड़ेगी इसको धो के। अभी बच चुके हैं 12 और मैं भी अब घर जा रही हूँ, क्योंकि बारिश भी होने लगी है, ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे को मम्मी का कॉल आया था अभी थोड़ी देर पहले, मम्मी भी घर आ चुके हैं, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक भी है। तो मम्मी ने ना 4 शादियाँ अटेंड की इस बीच में, तो मम्मी की ना नींद ठीक से पूरी हुई है और मम्मी को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिला, तो उनके बैक में पेन हो रही है और उनके सर में भी दर्द हो रही है। मैं कहा चलो आप रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा काम कम्प्लीट करके आती हूँ, फिर अभी घर जाकर खाना बनाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे चुल्ली उठाने, तब तक शायद बारिश ना हो या रुक जाए। मैं घर पहुँच चुकी थी और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल पकाने के लिए रखी है। एक्चुअली मम्मी ने पका के रखी थी बट मैंने जब खोल के देखा तो थोड़ी कच्ची रह गई थी, तो मैंने फिर से रखी है। आज हम बना रहे हैं राजमा की दाल, कल रात को भिगोने को रखी हुई थी। और अभी मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ और मैंने लहसुन भी छिल के रख दिया, और मुझे खाने में लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को खाने में लहसुन का फ्लेवर पसंद है, क्योंकि किसी को मैं भी नहीं भी पसंद हो सकता है बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी तक मैं सोई हुई थी। मम्मी और मैंने डिसाइड किया था कि हम 4-4:30 बजे खेत जाएंगे फिर से चुल्ली उठाने के लिए, बट मम्मी ने मेरे को उठाया नहीं, मम्मी मेरे को 5 बजे उठा रही। मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं इतनी गहरी नींद में थी, मैं 3:30 बजे के करीब सोई। मम्मी जब मेरे को कॉल कर रहे थे ना, मेरे को पता ही नहीं लगा कि अभी शाम हो रही है सुबह हो रही है, मेरे को लगा कि सुबह के 5 बज रहे हैं। और मम्मी को कॉल करे, मम्मी बोलते उठ जाओ रे ना, बोले चलते परे, बोले 5 बज गए। मैं देख रही टाइम, हाँ 5 तो बज गए। फिर मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहा है कि मम्मी मेरे को 5 बजे क्यों उठा रहे हो, आपने आप जाओ आपका काम है तो मेरे को क्यों उठा रहे हो। फिर मम्मी से बोला जब मम्मी बोलते मैगी बनाओ, मैगी खानी है, मैंने नहीं नहीं खानी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बड़े मुश्किल से अभी अपने होश में आई मैं अपनी नींद, मुझे बहुत नींद आती है, बहुत नींद में बहुत सोती हूँ, सुबह भी मेरे से उठा नहीं जाता है, सुबह बहुत मुश्किल से उठती हूँ। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं अपने खेत पे चुल्ली उठाने। मम्मी ने घास यहीं पे घर के पीछे काट दिया था, ये देखो हमारे मेरे लिए मम्मी ने यही बोझा बना के रखा है, खुद के लिए नीचे बनाया हुआ है, तो अभी ये उठाते हैं और यहीं से घास लेके जाएंगे सिंगी के लिए। और यहाँ पे घास कम, बिच्छू कुट्टी ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे भी बिच्छू कुट्टी और मेरे बोझे के सामने बिल्कुल बिच्छू कुट्टी है। अब मैं कैसे इसको उठाऊँ, इसमें भी बिच्छू कुट्टी है, बिच्छू कुट्टी है। तो इससे पहले मुझे लग जाए इससे, इसको मैं निकाल के फेंक देती हूँ। यार कैसे उठाऊँ मैं, इतने अजीब से जगह पर बना के रखा है मम्मी ने, तो मैंने उठा दिया है ये घास। और यहाँ पे देखो बीन्स की सब्जी भी तैयार हो चुकी है, ये देखो ये है, ये देख सकते हो गाइस ये बीन्स है। मम्मी की स्पीड देखो, मम्मी कहाँ पहुँच गए, देख भी नहीं रहे, पीछे थोड़ी देर वेट कर रहे थे, मैंने चलो अब तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे, और मैं यहाँ पे इन बिच्छू कुटियों के बीच ही जूझ रही हूँ। पता नहीं इतनी बिच्छू कुटियाँ, मेरे को तो डर ही लगता है इनसे यार, ये लग रही है मेरे, और मैं स्ट्रगल करते चल रही हूँ और ऐसे पेड़ों के बीच
ऐसे बहुत मुश्किल होता है इस भूजे के साथ जाना। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ। कैसे ऐसे पतली पतली गलियों से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली भूजे के साथ। अभी देखो मुझे कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। चलो मुझे ऐसे टेढ़ा होना पड़ेगा, फिर ऐसे झटका भी लगेगा। चलो बीच बीच में फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे और यहाँ से जुल्फे भी ऐसे करना पड़ेगा। गाइस बहुत ज़्यादा थक गई मैं इतना सा घास उठा के। बाकी अभी जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। अभी चुल्ली उठानी है यहाँ पे, कल तो शादी है, कल और परसों तो बिजी रहेंगे शादी में, तो टाइम नहीं मिलेगा चुल्ली उठाने का। तो यहाँ से आगे भी काफ़ी ज़्यादा चुल्ली गिरी हुई है, और अभी मेरे घुटने में चोट लगी जब मैं घास लेके ऊपर को जा रही थी, मेरा पैर बजा बहुत जोर का। आज मैंने बिना ग्लव्स पहने चुल्ली उठाई तो देखो मेरे हाथों की हालत कैसी हो गई है। ग्लव्स के साथ ऐसा हो रहा था ना, बहुत स्लो मोशन में काम हो रहा था, ठीक से जल्दी जल्दी नहीं उठाई जा रही थी चुल्ली, और हमारे को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना था क्योंकि बहुत सारी चुल्ली थी और अभी अंधेरा भी होने वाला है। तो अभी हमने कंप्लीट किया है उस टैंक से लेके यहाँ तक हमने चुल्ली उठा दी है। अभी यहाँ से लेके वहाँ तक रह गई है और नीचे वाले खेत में भी गिर गई है। अभी मम्मी गिरा रहे हैं पेड़ से, जितनी गिरती है तो उतनी गिरा देंगे, बाकी जो नहीं गिरेगी वो जब खुद गिर जाएगी उसके बाद ही उठाएंगे। और ये बाल्टी में चुल्ली फुल हो चुकी है तो इसे अब हम शिफ्ट कर रहे हैं स्किल्टे में। मेरे को फ्लो फ्लो में याद नहीं रहा कि मुझे किल्टा यहाँ से परे भी लेके जाना है, और मैंने फ्लो फ्लो में किल्टा पूरा भर दिया और अब उठाने की बारी आ रही है। तो बहुत हैवी होगा यार, आज अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगी मैं। गिर गई। यहाँ से उठाओ ना, बहुत भारी है। गाइस मिलते हैं, रुको। और यहाँ पे नेचुरल पानी भी है तो अभी मैं अपने हाथ धो लेती हूँ यहाँ पे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है शादी का। कल मैं जा रही हूँ शादी, सो वो व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग किन्नौरी वेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो, मैंने जो पुरानी वीडियो डाली थी उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। तो तब तक के लिए इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दे दो, लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।